खबर सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के छिट दुबिहाई वार्ड नंबर 17 से आ रही है, जहां 3 दिन बाद एक बच्चे का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार दुबिहाई वार्ड 17 से शनिवार को करीब 3 बजे एक बच्चा खेलने के क्रम में नहर में डूब गया। काफी खोजबीन के बाद वो नहीं मिला। इसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लगातार 6 घंटे तक खोजबीन करती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। जिसके बाद आज सुबह त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर वार्ड नंबर 9 से सूचना मिली कि एक बच्चे का शव नहर में देखा गया। सूचना पर पहुंचे परिवार वालों और ग्रामीणों ने देखा तो मृत अवस्था में महबूब आलम का शव मधेपुरा उपशाखा नहर में था, जिसके बाद नहर से बाहर निकाला गया और एक घर लाया गया। आपको बता दें कि जब बच्चा डूबा था उस वक्त नहर में काफी पानी था, लेकिन जब नहर में पानी छटा तो बच्चे का शव पानी में ऊपर आ गया, जिसके बाद शव बरामद हुआ। सूचना पिपरा थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार वालों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। दिलदार खान की सुपौल से रिपोर्ट। क्या घटना हुआ था? घटना क्या हुआ था? 3 बजे खेलने के दौरान नहर में डूब गया। हम लोग को मालूम हुआ तो गए, नहीं मिला बच्चा। फिर वहाँ खबर किए, वहाँ से तलाशने वाला आया तो शाम के 5 बजे तक तलाशा नहीं मिला। हम लोग 4 दिन तक दौड़ भगा किए, नहीं मिला। आगे तक गए, आज जो है खबर आया बैजनाथपुर से कि बच्चा यहाँ है। हम लोग गए उठा के लाए। बच्चे लापता कब हुआ था? कौन सा शनिवार को? शनिवार को आज सुबह में बरामद हुई है। कितने बजे बरामद हुई है? 6 बजे। 6 बजे किसकी सूचना मिली थी कहीं से? क्या? हाँ, बैजनाथपुर से फोन आया था। नहर में ही था? नहर में ही। क्या नाम था बच्चा का? महबूब आलम। कौन है बच्चा आपका? पता लगता है। क्या एज क्या होगा उसका? उम्र 8 साल होगा लगभग। 10 साल। क्या घटना हुआ था? मेरा नाम मुर्शिद आलम है। उधर जम्मू कश्मीर में थे। हर दिन इनसे सुबह भी हम बात करते थे, लेकिन उस दिन मोबाइल मेरा बंद था तो पता नहीं चला। फिर 2-3 बजे पता चला कि बच्चे नदी में डूब गए। तब वहाँ से हम निकल गए, 4 दिन में घर पहुँचे। ये कब की घटना है? ये शनिवार का। शनिवार का बच्चा कब बरामद हुआ? आज मंगलवार। कहाँ पे बरामद हुआ? सवेरे। कहाँ पे हुआ? बैजनाथपुर पुल के पास। इसके माध्यम से सूचना मिली थी? ये घर वाले के माध्यम से। वहाँ आप लोग गए तो वहाँ नहर से निकाले उसको? जी। बच्चा का क्या नाम था? महबूब आलम। उम्र क्या होगा उसका? 8 वर्ष। बच्चे की बरामद हुई है, कहाँ मिला और कैसे सूचना मिली थी आप लोगों को? देखिए, आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास बैजनाथपुर, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ के स्थानीय लोगों को जब बॉडी दिखाई पड़ा तो वहाँ से टेलीफोन के ज़रिए से हमारे गांव में खबर मिली। उसके बाद फिर यहाँ से आदमी गए और बच्चे को बरामद किया गया। ये घटना कब की थी? ये घटना 27 तारीख के, यानी शनिवार के 2-3 बजे के आसपास। उस समय तो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँची थी? हाँ, उस दिन नहीं पहुँची थी, नेक्स्ट डे यानी 28 के सुबह 8:30 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। कितने घंटे की तलाश की थी एनडीआरएफ की टीम? तकरीबन 7-8 घंटा तलाश किया, मिला जुला के 7-8 किलोमीटर तक वो लोग तलाश किए थे। तो उस दिन नहीं मिला? नहीं मिला। उसके बाद पानी जब घटा है तब बच्चे को किनारे में देखा है। ये सूचना दूसरे के माध्यम से मिला था? जी जी। क्या उम्र क्या था बच्चा का? बच्चे का उम्र 8 से 10 साल के बीच था। इसकी जानकारी अभी स्थानीय प्रशासन को भी दी है? जी, स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है। क्या अब आगे की प्रक्रिया क्या है आप लोगों की? आगे की प्रक्रिया ये है कि परिवार वालों का कहना है कि बूढ़ी को ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसका जनाजा और दफन हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान। कौन सा पंचायत है ये? दुबियाही वार्ड नंबर 17।